सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नदियों में मूर्ति विसर्जन पर पाबंदी लगा दी गई है, जिसके लिए कृत्रिम पोखरे का निर्माण कराया जा रहा है। जनपद में राप्ती तट के किनारे नगर निगम द्वारा 3 पोखरे का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 15 अक्टूबर से महानगर में स्थापित मां दुर्गा के प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम द्वारा तैयारियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। जिसके संबंध में नगर निगम के जोनल अधिकारी नंदेश्वर पांडे ने बताया कि जनपद में स्थापित प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पोखरों की तैयारियां की जा रही है तथा पोखरे लगभग बनकर तैयार हो गए हैं, जिसमें कुल 3 पोखरे बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि विसर्जन में आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था तथा इसके अलावा उनके सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है। बैरिकेटिंग भी की गई है तथा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जोनल अधिकारी नंदेश्वर पांडे ने कहा, इन पोखरों में जो माँ दुर्गा की प्रतिमा पूरे महानगर में और महानगर के बाहर भी जो स्थापित हैं, उनके विसर्जन के लिए पोखरों की तैयारी की जा रही है और हमारे पोखरे लगभग बन के तैयार हो गए हैं। कुल 3 पोखरे बनाए गए हैं और इसमें पानी भरने का काम एक में पूरा हो गया है, दूसरे में पानी भरने का काम चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। किन किन चीज़ की व्यवस्था की गई है यहाँ पर? आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, अस्थायी शौचालय लगवाए गए हैं। इसके अलावा उनकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया गया है, बैरिकेटिंग की गई है और इसके अतिरिक्त उनको कोई असुविधा ना हो इस नाते इस बार हमारे नगरायुक्त महोदय के निर्देश में जो मंच बनाया जाता है प्रवाहित करने के लिए, उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है ताकि कोई असुविधा किसी प्रकार से उत्पन्न ना हो। इसी पर कैमरे की भी? हाँ, इस बार एक अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है कि हर श्रद्धालु और मूर्ति विसर्जन में आने वाले लोग कैमरे के कैद में होंगे और उसका नियंत्रण पुलिस कंट्रोल रूम में रहेगा, जिससे किसी भगदड़ या भीड़ की स्थिति में उसको तत्काल कंट्रोल किया जा सके और लोगों के मन में जो एक भय भी व्याप्त रहेगा कि कोई अवांछनीय लोग कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जिनमें महिलाएं भी आती हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई? महिलाएं बहुत कम संख्या में आती हैं, लेकिन उनके भी सुरक्षा और उनके शौच आदि की व्यवस्था के लिए जो है अस्थायी यहाँ पे शौचालय 2-2 लगवाए गए हैं, तो इस प्रकार कोई असुविधा उनको नहीं होगी। नाम बता दीजिए। मैं नरदेश्वर पांडे, जोनल अधिकारी।